Hey guys, welcome. You're revealing your secret. गंदे क्वेश्चन लेके आते हैं और वो मेरे पे ही आते हैं जो हमने डिसाइड किया है एंगेजमेंट करने का अभी शादी. हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. सो होप यू गाइस ऑल गोइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. सो आज मैं आ रखी अपने फ्रेंड जतिन के घर पे. हेलो. और हम लोग अभी यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं आप सबके लिए. मतलब एक फन चैलेंज वीडियो होने वाली है ये. सो वी आर गोइंग टू प्ले ट्रूथ एंड डेयर. सो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं ट्रूथ एंड डेयर के एंड हम एक एक करके पिक करेंगे चिट्स को एंड देन वील डू द ट्रूथ एंड डेयर व्हाटएवर इट इज नीडेड. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हम चिट्स पिक करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ. सो मैंने नंबरिंग करके चिट्स रखे हैं. क्वेश्चन मैंने एक पेज पर प्रिपेयर करके आई थी घर से, तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या है. और ये फोर्थ टाइम तो मेरे वीडियो में फीचर हो रही है. कितना फेक कस रहा है तब से. इसको बोला है कि हंसते रहना वीडियो में, तो मैं फालतू की आई हूँ करना पड़ा है. मतलब ऐसे वैसे बोलता रहता है, पता नहीं वीडियो स्टार्ट होते ही आता है, थोड़ा समझ नहीं पाता या बोल नहीं पाता वाला सब. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. पहले तो फर्स्ट तू उठा. पिछली बारी नहीं खुशी फर्स्ट कौन सा उठाना है? कोई भी उठाओ. लेट्स ट्रूथ का पहला क्वेश्चन उठाते हैं. ये दो वाउल्स जो मैंने दिखाया था आपको. सो मैं इससे पहले ट्रूथ पे से एक पेपर क्वेश्चन पे करती हूँ. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चिट पे से पढ़ रहा है क्वेश्चन. Name someone from school you know resembles to following attributes. Jealous, energetic, kind-hearted. एक वो बच्चा नहीं होता जो स्कूल में रीड करने में अटक गई, वो बच्चा है. मेरे को लगा जेलस के बाद सीधा बताएगी ना. अच्छा जेलस. जेलस कौन था मेरे से स्कूल में? जितनी भी इसकी गर्लफ्रेंड्स हुई है. स्कूल की बात कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं है बट हाँ स्कूल में. एनर्जेटिक यही तू ही एनर्जेटिक. काइंड हार्टेड मैं हूँ. मतलब मैं मेरे किसको रिजेंबल करती हूँ? काइंड हार्टेड तू ही है. जा खुश हो जा. मेरी बारी. हाँ ठीक है मेरा. अब ट्रूथ से उठा क्वेश्चन. तू क्वेश्चन नंबर 3 लो मैं पूछती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Have you ever fallen in love at first sight? You can't tell a lie. Every time. मतलब हम लड़के हैं तो हमारा तो फर्स्ट साइट पे ही होता है सर. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ. ठीक है चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन डेयर का पिक करते हैं. 9th क्या? डू कच्चा बादाम स्टेप्स. कच्चा बादाम के स्टेप्स? कोई बात नहीं. तो अपने स्टेप्स करके क्लिप डालते हैं. ठीक है बाद में. हाँ इसमें क्या ना चाहिए. क्लिप बनवाऊंगा यही. ऐसी कुछ मैं नहीं करूंगी. ऐसी कुछ नहीं. कच्चा बादाम. अब ये पिक करेगा डेयर. 1 अपनी सबसे एम्बैरेसिंग फोटो मुझे दिखा. कौन सी है? आधार कार्ड. उनको थोड़ी दिखानी है. इन्हीं को दिखानी है. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो. मत करो रन लो. मैं फालतू में आ गया वीडियो में. इसके बाद इसका बहुत होने वाला बुरा. स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रूथ से उठा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. योर वियर्डेस्ट हैबिट. मेरी वियर्डेस्ट हैबिट है सारी. सारी मैं अपनी खुद की मुझे जो लगती है वो ये है कि मैं लड़ते लड़ते रो सकती हूँ. मतलब मुझे गुस्सा आता है और मुझे किसी से लड़ना होता है बट मुझे नहीं आता कि बिना लड़े मतलब बिना रोए कैसे लड़ते हैं. तो मुझे वो चीज सीखनी है. मेरे को वो बहुत वियर्डेस्ट लगती है. क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है. क्या कहते हैं व्हाट ये लिखा. मैंने खुद की राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही. तो ये हो गया कैंसिल. नहीं हाँ नहीं. ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे वर्स्ट चीज जो तुम्हारे लिए किसी ने की हो या फिर सबसे बेस्ट चीज जो किसी ने की. मतलब दोनों बताओ वर्स्ट एंड बेस्ट.
ये तो दो क्वेश्चन नहीं हो गए. नहीं एक ही क्वेश्चन नहीं है. बेस्ट थिंग किसी ने तुम्हारे लिए जो किया हो और वर्स्ट थिंग जो तुम्हें किया तुम्हारे लिए किया हो किसी ने. तो करते ही रहते हैं. जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है. बेस्ट थिंग मेरे घर वालों ने मेरे लिए की है. क्या कितना कुछ किया है क्या क्या गिना नहीं सकता ना. इसको घर दे दिया, रहने के लिए छत दे दी और खाने को रोटी दे दी. वर्स्ट थिंग भी मेरे घर वालों ने की है. मैं बीटेक कर रहा हूँ. तो बाकी समझ सकते हो. मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साले. सेकंड नंबर टू, शो द लास्ट फाइव पीपल यू हैव टेक्स्टेड. आई कैन टेल, मतलब मुझे पता है. इसको क्या था, निखिल को क्या था, मम्मी को, पापा को, भाई को, नहीं भाई को निखिल, और पांचवा कोई ऐसी होगा. कौन सा है? टेन तो हो चुका था. नहीं, ओथ का हुआ ना, ट्रुथ का हुआ. गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम. कितनी देर के लिए जा रहे हैं? कम से कम 5 मिनट से आने पड़ेगा. लाइव आने, यू आर लाइव नाउ. हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जो भी देख रहे हो. कोई एक बंदा भी नहीं आया इसके लाइव में. खुश हूँ. गुड गुड, ठीक है. अरे एक भी बंदा नहीं आया, कोई good, तो एक आया लाइव पे. वेरी गुड. अरे कोई भी नहीं आ रहा अभी तक. कौन आया? दीपांशु. एक भी आया कोई तो. युवराज भी आया. युवराज आया. युवराज किससे किससे बच रहा था वैसे तू? जो नहीं, मतलब जो जिनसे बदला था वो सब आ गए थे वीडियो में. चलो ठीक है. नेक्स्ट ट्रूथ का उठाते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू बीन बिच्ड अबाउट मी टू अदर्स एंड व्हाट? मैंने कभी नहीं कही थी बुराई. खत्म खानी, मतलब मैं नहीं कर रही है. मैं बताऊंगी भी क्यों. चल झूठा. ट्रूथ 7, सेवंथ व्हाट इज योर, तेरे पे ब्रेकअप और प्यार वाले क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं मेरे पापा? ठीक है. व्हाट्स योर डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप? डील ब्रेकर मतलब कि ये चीज हुई तो कैंसिल. अच्छा, मतलब डील ब्रेकर. हाँ, कोई भी रिलेशनशिप. क्या चीज होगी जिससे मेरा ब्रेकअप हो जाए? ब्रेकअप या मतलब डील ब्रेकर मतलब कि नहीं चलेगा, इट्स नॉट वर्किंग. वही एक सोच समझ के बोलना. हाँ हाँ, मैं बता. एक तो वही है कि फ्रेंड्स वाला. क्या? कि फ्रेंड्स ज्यादा प्रायोरिटी पे है. मतलब अच्छा ठीक है, जोर से बोल फिर. मतलब फ्रेंड्स मेरे ज्यादा प्रायोरिटी पे है रिलेशनशिप, तो उसका थोड़ा बहुत लड़ाई रहती है मेरी लगभग. किससे रहती है? योर डिवीनिंग योर सीक्रेट. जितनी रही है वो उसी चीज पे लड़ाई रहती है मेरी लगभग. चलो ठीक है, आगे नहीं बढ़ते इसमें. ओके नेक्स्ट इज 7, पोस्ट अ फोटो विद मी. ओह बच गया यार, बच गया. ये पूछो कमेंट में, बच किससे रहा है? नहीं ना, मतलब अरे यही तो कमेंट में सवाल है. दोस्त लोग हैं, उन्हें पता है. ये फोटो भी ये पोस्ट कर देगी. इसके जो जो आ रहे हैं डेयर कर तो पा रही है, क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है. 8, डांस विदाउट म्यूजिक फॉर 2 मिनट्स. ये बात में चल जाए. ट्रूथ का क्वेश्चन आती हूँ मैम. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ 6. व्हाट मेक्स यू एंग्री अबाउट यू? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस पे इसी बात पे आता है कि ये कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है. और रहता कहाँ है पता है? यहाँ से बस पड़ोस पे भीमताल में. और जब भी घर में आएंगे, ये काम है वो काम है. और मतलब हाँ, ज्यादा बिजी रहता है, कुछ नहीं, बट बस दिखाना होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ. मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट ईच अदर, मेरे बारे में सबसे अनोइंग चीज क्या लगती है? बोलेगा पूरी में. कि मतलब वो सोचो ना, सभी है पर कोई एक स्पेसिफिक बताना. हाँ, क्यों नहीं. ये एक तो ये कि ये बहुत गंदे क्वेश्चन लेके आते हैं और वो मेरे पे ही आते हैं जो जो मुझे नहीं चाहिए होते हैं. और हर बार कैसी है, तुमने पहले की वीडियोस भी देखी होंगी, वो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो देखना बहुत अच्छी है. उसमें भी मेरे पे ही आए सारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन, तो मुझे ये बात बहुत बेकार है. इसी किस्मत वैसी है.
Eat a raw piece of garlic. मुझे लग रहा था कि मुझे गार्लिक ना खाना पड़े एंड शिट. वेल मैंने और भी वीडियोस बना रखी इसके साथ, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो देख लेना. दो डांस वीडियोस बनाई है और एक हमने नेवर हैव आई एवर का चैलेंज किया था, दैट वाज रियली गुड. वन और मेरी सारी वीडियोस में, मतलब जो पहले की थी उसमें 1K प्लस व्यूज है, तो जरूर देखना. इसको इतनी खुशी मिल रही है ना. तेरे पे रह गया लेकिन एक इम्पोर्टेंट वाला. वो तो मैं खुश हूँ. ओके आई एम हैविंग दिस. चबाना है, निकलना थोड़ी है. हाँ वहाँ दिखाना है. हाँ वो ओहो पर कॉफी क्या मेरा डेयर. हाँ चलो इसका डेयर है. Prank someone that you love someone, मतलब एक ग्रुप में अब तुझे मैसेज करना है कि यू लव समवन एंड यू आर गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड व्हाटएवर, तो तुम्हें ये ग्रुप में लिखना होगा. तो कौन ही मानेगा. हाँ मतलब सून यू ट्राइंग टू, ऐसे मतलब कन्विक्शन लिखना कि एंगेजमेंट करने वाला हूँ फिर बाद में शादी करूंगा ऐसे करके. इतने सिंसियरली लिख रहा है एक्सप्रेशन देख उसके. इसका मैसेज मैं पढ़ के बता देगा लिखा इसने. मैं किसी से प्यार करता हूँ और हमने डिसाइड किया है इंगेजमेंट करने का, अभी शादी बाद में होगी, सबको आना है. नाइस. जलूल जलूल आना है. जलूल जलूल आना है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मतलब क्या इसका. हाँ व्हाट इज द वन थिंग यू लव हेट एंड टॉलरेट अबाउट ईच अदर. मेरे बारे में लव हेट एंड यू टॉलरेट. ओके तो वन थिंग आई लव अबाउट हिम इज कि हम दोनों मतलब बहुत ही बचपन के दोस्त हैं, तो वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है तो हाँ मतलब समझदार लड़का है. और व्हाट आई हेट अबाउट हिम हिज चॉइसेस इन गर्ल्स. ये है ना ये. नो नॉट बेस्ट फ्रेंड. हाँ जिसकी यही है चॉइस खराब है. टॉलरेट इज हिज एक्सक्यूजेस कि अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ. एक दिन मैं और आई थी तो मैंने कहा कि यहाँ तक आ गई हूँ. अच्छा तो कहता अभी जाती रह जा रही है, अभी मत रुक रहे हैं यहाँ पे. तो बहुत दूर थी ये, बहुत दूर थी, घर के पास हूँ कह रही है, घर देखा नहीं है इसने. हाँ आज पहली बार आ रही है इसके घर में. टू नंबर. अकॉर्डिंग टू यू हु वॉज द मोस्ट अनोइंग इन अवर स्कूल ग्रुप, मतलब मेरे को छोड़ के. ये तो मैं सही ऑप्शन होगा. सबसे अनोइंग कौन थी तुम्हारी स्कूल में. ठीक क्या होता है. था थे मेरे में सारे. था थे जो भी है. लड़के तो अनोइंग ही होते. खुद ही बोल रहा है लड़के अनोइंग होते. मतलब मल्ले वो अनोइंग नहीं होता, इनके लिए हो जाता है. तो स्कूल ग्रुप में कोई नहीं था यार. मैं नाम नहीं लेता. नहीं नाम लेना पड़ेगा. राहुल एक जो समझ जाएगा जबरदस्ती नाम लिया गया. ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद से ले रहा है. चाहे तो किसी और का भी ले सकता था. नहीं हाँ जो तेरे को दोस्त नहीं थे उसका नाम ले सकता था. तो जो दोस्त थे ही नहीं फिर वो अनोइंग कैसे हुए ना. मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ. हाँ देख खुद बोल रहा हूँ, ट्रुथ बोल रहा हूँ. ऐसा झूठ थोड़ी बोलूंगा जो जिनको जानते ही नहीं उनका नाम ले लो. चलो क्वेश्चन नंबर 4. कीप 3 आइस क्यूब इन योर माउथ. ये खाने पीने के सवाल मुझ पे क्यों आते हैं कि आइस क्यूब मुंह में रख लो. 3 नहीं 1 रखूंगी. हमेशा ऐसी क्यों होता है जो खाने अभी मुंह में लहसुन का स्वाद है ही, इतने सारे उठा के ले आई. अरे यार मैं बस खाना थोड़ी है, बस पुट करना है ना. ओ अदरते वीडियो है ये बताने के लिए निकाला है फिर खा लीजिए. अच्छी pretend to be a, मतलब मेरी एक्टिंग करनी तुझे. Hey guys. Hey guys, welcome. क्या रहा है? तू बता. Hey guys. Welcome and welcome back to my channel. Please subscribe. Hey guys, welcome and welcome back to my channel. तो आज मैं आई हूँ अपने फ्रेंड जतिन के घर. अरे इतने पागल हो गए. ओके सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू हैड फन बिकॉज़ मुझे तो बहुत मजा आया.
जय अभी इसको इसके बाद आएगा जब वीडियो आ जाएगी तो अभी मेरे को कैमरा ऑफ होने के बाद बताएगा और जो इसके डेट हैं सारे वो ये डालेगी तो वो मिल जाएंगे हाँ उसी में वीडियो में डल चुके होंगे मतलब साथ में अभी तक डल चुके होंगे हाँ तो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट सो डू लाइक दिस वन शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शो सम लव एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली लव एंड पीस Ha ha ha.